तो देखिए, मैं आपका एक एक दो वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में कुछ डिस्कशन कर रहे थे आप स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो कैमरा के बारे हाँ में, जैसे आपका मतलब कैमरा के बारे में वो वीडियो नहीं था, बट उसमें आपने बोला था कि आजकल कंपनी जो है 4, 5, 6 कैमरा दे देती है एक एक फोन में। और बिल्कुल आपका मतलब कहना ये था कि उतना ज्यादा जो कैमरा है वो नहीं देना चाहिए। मतलब आप शायद कहते थे कि हाँ, दो कहीं कहीं कैमरा, बिल्कुल आपका कहना था कि दो कैमरा जो है काम चल जाता है। बिल्कुल बट मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा कैमरा मिल रहा है उतना ज्यादा हमें एडवांटेजेस मिल रही है। बिकॉज पहले ऐसा होता था कि हाँ भाई चलो दो कैमरा दे रहे हैं तो डेप्थ सेंसर डाल दिया, या फिर उसके अलावा वाइड एंगल नहीं आता था, टेलीफोटो नहीं आता था, मैक्रो नहीं आता था। बट मुझे अब लग रहा है कि जहां पे वाइड एंगल, टेलीफोटो, मैक्रो है तो काम सही है, ये मिलना चाहिए। तो आप इसके बारे में एग्जैक्टली मतलब आपका मैं राय जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा देखिए, क्यों कहा। हाँ बिल्कुल शाहरुख भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को। हाँ तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब स्मार्टफोन अभी से 3-4 साल पहले की बात कर लें तो सिंगल कैमरे पे बहुत सालों से चलता आया था। सिंगल कैमरे से लोग खुश भी थे, कोई जी दिक्कत नहीं थी, चल रहा था। लेकिन उसके बाद डुअल कैमरा इम्प्लीमेंट करे गए तो वहाँ पे लोगों ने, ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज ने, कुछ ने टेलीफोटो इम्प्लीमेंट करा, कुछ ने वहाँ पे मतलब दूसरे कैमराज इम्प्लीमेंट कर दिए, डेप्थ सेंसर इम्प्लीमेंट कर दिए। तो एंड्रॉयड में जैसे कि सबको पता ही है कि नंबर गेम थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, कुछ भी चीज़ हो, बड़ा हो, नंबर में ज़्यादा हो, तो वो एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा चलता है। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उतना नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत तगड़ा है ये वाला सीन। ये तो है। तो जब ये तीन, फिर आपने देखा होगा कि एक कैमरे से दो कैमरे के बीच में जब स्विच हुआ इंडस्ट्री पूरा, तो वो ट्रांजिशन काफ़ी स्लो था, लेकिन दो कैमरे से चार कैमरे पे जो शिफ्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। मतलब यार मुश्किल से 1-2 महीने, 4 महीने के अंदर दो कैमरे से चार हाँ कैमरे हाँ पे हाँ कूद गए स्मार्टफोन कंपनीज। नोकिया तीन पे वालों भी ने तो गए, फिर पांच उसके बाद कैमरा फटाक निकाल से दिया चार था पे। जी। उसके बाद हाँ, अभी बीच में हमने सुना था कि भाई 16 कैमरे वाला भी आ रहा है, पांच कैमरे वाला भी आ रहा है, 6 कैमरे वाला आ रहा है, और आए भी कुछ स्मार्टफोन्स, बट मेन स्ट्रीम में नहीं आए उतने अच्छे से। तो मेरे कहने का मतलब था कि सबसे पहला जो रीज़न है इसका, मतलब चार कैमरे आज के टाइम पे देने का एंड्रॉयड में खास करके, पहला तो है कि भौकाल। भोकाल ओके मतलब भौकाल होना रहता है भैया, चार कैमरे पीछे एकदम गुच्छे में लगे रहते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ भाई कैमरा फोन तगड़ा लिया बंदे ने, कुछ भी हो, है ओके ना। तो ये भौकाल ज्यादा है। अब इतना भौकाल टाइट कर दिए लोग कि भैया मतलब आईफोन को भी इस बार मजबूर हो के मतलब तीन कैमरे लगाने पड़े फोन में। उनने बोला भाई लगा दो, नहीं तो एंड्रॉयड वाले मार डालेंगे साला हमको, कह कह के हर हर लॉन्च इवेंट में कंपेयर करने लगते हैं हमारे फोनों से, हमारे पास वाइड एंगल ही नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे आप कह रहे कि वोकल मतलब कि चार कैमरा दिखावे के एक तरह से ये कहना है ना। बट कहीं मुझे मैंने सिर्फ एक पॉइंट ओके, कहा है कि एक पॉइंट भोकाल भी है उसमें से। बट मुझे लगता है कि अगर चार कैमरास दे रहे हैं और चारों कैमरास काम के हैं, लाइक अलग अलग कैमरास है, टेलीफोटो है, वाइड एंगल है, मैक्रो है और नॉर्मल कैमरा है, तो आई थिंक कि देना सही है, इसमें कोई गलत नहीं है जब तक कि उसका यूटिलाइजेशन हो सके। पोर्ट्रेट मोड को भूल गया, पोर्ट्रेट कैमरा ज़्यादातर स्मार्टफोन घुसा रहे हैं आज के टाइम चौथा कैमरा, और दूसरा कैमरा जो मैक्रो है वो भी हाँ मतलब 2 मेगापिक्सल का है, हालांकि मैंने भी यूज़ करा जब, तो 2 मेगापिक्सल भी मुझे लगा कि काफ़ी मतलब क्रिएटिव फोटोग्राफी आप कर सकते हैं नो डाउट, मैक्रो लेकिन फिर भी मैक्रो मैक्रो हाँ मैक्रो से। लेकिन मैंने शायद वन प्लस का देखा था 7T, उन्होंने वाइड एंगल कैमरा में ही मैक्रो अचीव कर लिया था। तो अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अगर कुछ चीज़ें कम की जा सकती हैं, मेरा जो कंसर्न है, मेन सबसे मेन कंसर्न है, चार कैमरे नहीं मैं कह रहा हूँ 10 कैमरे लगा दें कोई दिक्कत नहीं मुझे इससे, लेकिन मेरा मेन कंसर्न है कि इसमें जबरदस्ती का हार्डवेयर बढ़ता है, जबरदस्ती का वेट बढ़ता है, और फ़ोन एक ऐसा चीज़ है कि मैं हाथों में लेके यूज़ करते हैं, लेट के यूज़ करते हैं, बैठ के यूज़ करते हैं, सिंगल हैंड से यूज़ करते हैं, तो अननेसेसरी साइज़ कहीं ना कहीं फ़ोन का बढ़ता जा रहा है उसके, शायद वो भी एक रीज़न है, मतलब कैमरा भी उसमें एक रीज़न है जो साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हाँ थी साइज़ के ऊपर स्मार्टफोन्स के, तो 6.67 इंच पे आज के टाइम पे स्विच हो गए हैं स्मार्टफोन कंपनी, तो वो कहीं ना बिल्कुल कहीं कैमरे की वजह से भी हो रहा है। जी। तो जैसे साइजेस तो अब बढ़ ही रहे हैं, ये तो इसमें कोई मतलब, चाहे कोई भी फोन हो, चाहे तीन कैमरा वाला हो, चार कैमरा हो, सबकी साइजेस और वेट बढ़े हुए हैं अभी फिलहाल। बट एक चीज से एग्री करेंगे आप भी कि आजकल मतलब कह रहे थे ना पर्सनल प्रेफरेंस है,
कोई कहेगा कि भाई हमको सिंगल कैमरा से काम चल जाएगा, पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई कहेगा नहीं भाई हमको चार बिल्कुल कैमरा इस पे, चाहिए इस पे पर्सनल कोई प्रेफरेंस डाउट नहीं, इस पे है, कोई डाउट तो नहीं। पर्सनल प्रेफरेंस तो हम लोग बात ही नहीं करने वाले आज डायरेक्टली। तो मेरा ये मानना था कि हाँ भाई आप चार कैमरा वाले फोन लॉन्च करो, नो प्रॉब्लम, जब तक कि काम के कैमराज हो, जिससे बिल्कुल वर्क हो सके, अलग अलग काम। अब जैसे आप कहें ना कि वाइड एंगल लेंस में ही मैक्रो को अचीव कर लिए, बट मैंने रिजल्ट्स जो है उसके देखे हैं कुछ खास होते नहीं है। एक्चुअली में क्या ना कि जो हमारा मेन कैमरा है वो भी कुछ हद तक मैक्रो फोटोग्राफी कर सकता है, अगर आप मेन मेन आप कैमरा का प्रो मोड में फोकस एकदम नजदीक कर दो तो वो मतलब इतने दूर की डिस्टेंस की तो वो फोटो ले सकता है, ले बट ही सकता वो है। रियल मैक्रो अचीव नहीं हो पाता। उसी तरह से वाइड एंगल में भी उन्होंने जो डाला था वो भी कोई कुछ मतलब कितने 6 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, बट आजकल 2 सेंटीमीटर जो आ रहा है डेडिकेटेड कैमरा, तो वो फिर अचीव करने के लिए सेपरेट कैमरा चाहिए। एक और चीज क्या है ना कि इफ अगर आप डालते हो सेम कैमरा में अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारा डीएसएलआर है, ओके मैं ले करके बैठा हूँ भाई, तो डीएसएलआर में मेरा क्या तो लगा है है। कि फोकस करना है तो भाई ये ऑप्टिकल होता है, इसे रोटेट करो, रोटेट करने के बाद भाई लेंसेज बाहर आते हैं अंदर जाते हैं तो फोकस होता है आगे पीछे, बिल्कुल बट अगर बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी हम लोग अपने फोन में लगाए तो काफी ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी, मूवेबल पार्ट्स है कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो मुझे उससे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि सिंगल कैमरा में हर तरह की कैमरा अचीव करने से ज्यादा अच्छा है कि अलग अलग एक्स्ट्रा कैमरा ही दे जिससे कॉस्ट जो है वो अपने प्राइस पे रहे, ये मेरा मानना है। देखिए और आपका मानना है बिल्कुल सही है। देखिए सेंसर्स की हम बात करते हैं वो अलग पार्ट है, जो लेंसेस का सीन है वो तो बिल्कुल डेफिनेटली हम इवन डीएसएलआर में भी हम अलग अलग लेंसेज यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी करने के लिए, तो हाँ लेंसेज से कोई मुझे उसी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी भी तरह से जैसे सपोज मेन कैमरा की बात कर लेता हूँ मैं, प्राइमरी कैमरा जो मिलता है अगर उसी में जैसे वेरिएबल अपर्चर वाला सीन था वो मैकेनिज्म था सैमसंग का आया उन्होंने था। सैमसंग ने करा था, ठीक था, लेकिन उन्होंने बाद में कंटिन्यू भी नहीं करा उसे। बट जो वेरिएबल लेंस का कोई ऑप्शन अगर है, अगर कंपनीज किसी तरह से अचीव कर सकती हैं कि वेरिएबल लेंसेस किसी भी तरह से उसमें डाल सकें, टेक्नोलॉजी है भाई, माइक्रो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे चल रही है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। मेरा मेरा मानना है कि अगर प्राइमरी कैमरा में जो चार कैमरे घुसा रहे हैं वो तो ठीक है, चलो साइड में रखते हैं फिलहाल उसे, लेकिन अगर किसी भी तरह से कम किया जा सकता है नंबर ऑफ द कैमरा को, तो क्यों ना किया जाए कम। हम थोड़ा इनोवेट कर सकते हैं, मतलब इनोवेट कर सकते हैं कंपनीज स्मार्टफोन में, अगर प्राइमरी सेंसर में दो सेंसर इंक्लूड हो जाएं किसी भी तरह से तो कहीं ना कहीं काम बन सकता है। पता नहीं है मेरी बात कितनी कैसी है, जायज है ना नहीं, जायज है, बट पॉसिबिलिटी मुझे लगता है, है। जहां तक इमेजिनेशन है वहां तक और पॉसिबिलिटी है। हाँ, और दूसरी बात जहाँ पे रही कि मैक्रो लेंस और वाइड एंगल की, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर वाइड एंगल यूज़ करके फिर उसमें ही अचीव करने की कोशिश की जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू मैक्रो को भी, अगर थोड़ा बेटर रिजल्ट आए 3 सेंटीमीटर तक भी अगर फोकस कर पाता है वो, तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, कोई दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं अभी होगी। तो अभी मेरा मानना है देखिए, कि हाँ ज़्यादा कैमरे कहीं ना कहीं वेट और इन सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं और नंबर गेम एंड्रॉयड में रहता ही है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर किसी तरह से कम किया जा सकता है तो करना चाहिए, थोड़ा कदम उठाना चाहिए कुछ कंपनीज को। एक कंपनी अगर कदम उठा लेगी ना भाई शाहरुख भाई, तो अभी सारी कंपनीज फिर उसी के पीछे चल देंगी कि हाँ ठीक है भाई अभी ऐसा ही करते हैं। देखिए अभी अभी क्या है ना, जैसे एक और फायदा बताता हूँ मैं डेडिकेटेड का, मैक्रो की ही बात सिर्फ कर रहा हूँ अभी। हाँ तो हाँ जैसे अभी रेडमी K30 Pro आया, उसमें मैक्रो का उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी दिया, जैसे टेलीफोटो मैक्रो लेंस उन्होंने दिया है, हाँ 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 देखा। आप दूर से मैक्रो ले सकते हैं, हमें नजदीक जाना पड़ता है इन सब फोन्स में, लेकिन उसमें आप दूर से 50 mm के डिस्टेंस से आप जो है मैक्रो शॉट ले सकते हैं, लाइट ब्लॉक नहीं होगा ये, तो वो मुझे एक अच्छा बिल्कुल मूव लगा। तो इस बिल्कुल तरह मुझे भी। की इनोवेशंस अगर अलग से कैमरा में भी होते हैं तो कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल और जैसे हम लोग DSLR लेते हैं तो भैया आप 5-6 लेंस कोई कोई फोटोग्राफर लोग रखते हैं कि नहीं भाई शादी का हाँ रखते फोटोग्राफी हैं करना रखते है हैं। तो जूम लेंस लगाएंगे, पोर्ट्रेट्स लेना है तो भैया 50 mm, और हम लोग इसे चेंज करते हैं, बट फोटो मोबाइल में एक चीज बहुत अच्छा है अलग अलग कैमराज होने से कि हमें स्विच करने में परेशानी नहीं होती है, लेंस खोने का डर बिल्कुल नहीं है, एक जगह रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब मेरे पॉइंट्स हैं एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव कि इट्स गुड टू हैव मोर कैमरास। अब वही जो आपके पॉइंट थे आपने रखे, जो मेरे पॉइंट थे मैंने रखे कि मुझे किस लिए मतलब चार कैमरे पांच। अब देखिए शाहरुख भाई इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आज चार कैमरे पे हम खुश हैं, हमें लग रहा है कि चार कैमरे मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात,
ये मतलब कभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 6-7 कैमरे पीछे की तरफ एकदम कैमरे कैमरे आ कैमरे सकते ऐसे हैं, आ सकते हैं। चिपक जाएंगे, 6-7-8, जो कि शायद कहीं ना कहीं बहुत यूजर्स के लिए काम के भी होंगे, बहुत सारे यूजर्स भी होंगे ऐसे जिनके काम के भी होंगे। लेकिन टेक्निकली, अगर मैं टेक्निकली क्या मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेनली मैं जो कैमरा सेंसर यूज करता हूँ या ज्यादातर लोग यूज करते होंगे, प्राइमरी सेंसर यूज करते होंगे, मैक्रो सेंसर बहुत लोग कहते हैं वेस्ट। मैं भी पहले वेस्ट कहता था, आपको हाँ याद हाँ होगा बहुत लोग कि कहते हैं। बेकार है, यूजफुल नहीं है, लेकिन यूज करने के बाद मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, और मैं अब फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ मैक्रो लेंस। ओके लेकिन अब टेलीफोटो है, टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं उसके लिए हमेशा बोलता हूँ टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। अगर 15-17 हज़ार रुपये की रेंज वाले डिवाइस में डाल सकते हैं तो डालना चाहिए कंपनीज को। मी A1 में यूज़ किया था, जबरदस्त था वो। वाइड एंगल जो कैमरा है, अब कहीं ना कहीं उसकी भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन मैं सबसे कम वाइड एंगल कैमरा को यूज करता हूँ मैं पर्सनली, लेकिन काफी लोग वाइड एंगल बहुत यूज आप तो करते वैसे हैं। सभी कैमरा से एग्री कर रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई नहीं 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 टेलीफोटो भी होना चाहिए, एग्री मैक्रो भी नहीं होना एग्री नहीं एग्री नहीं देखो चाहिए, एक मैंने क्या बोला, टेलीफोटो यूज करता हूँ, लेकिन वाइड। मैंने पहले ये भी बोला था ना आपको कि अगर उसे इंक्लूड करा सके किसी तरह से प्राइमरी सेंसर के अंदर, किसी तरह से मतलब ऐसे जूम हो अंदर, मूवेबल पार्ट हो, इतने मोटे फोन हैं जो कि मतलब वो कर सकते हैं, क्या मतलब बोलते हैं, जूम। कॉस्ट कॉस्ट बढ़वाना चाहते हैं आप बिल्कुल कॉस्ट बढ़वाना चाहते, नहीं कॉस्ट ओके नहीं, देखिए अच्छा स्मार्टफोन ये कंपनी जिस दिन चाह ली, हम बहुत बहुत दिन से पहले सोचते थे एक कैमरे में भाई कितने कितने महंगे फोन मिलते थे, आज के टाइम पे एक चार चार कैमरे, सोनी का सेंसर 64 मेगापिक्सल का डाल रहे हैं, उसके बाद भी सस्ते फोन है 15,000-17,000। एक लॉजिकल सवाल का जवाब दीजिए। जैसे हाँ आप ये कह रहे हैं कि मूवेबल पार्ट्स हो, अंदर बाहर हो और अलग अलग फोकस डिस्टेंस पर हम लोग फोटोज ले सके, फिर फर्क क्या है? मतलब वो भी वही काम कर पाएगा जो मल्टीपल कैमरास कर पा रहे हैं, लेकिन मल्टीपल कैमरास कम कॉस्ट में कर पाएगा और वो ज्यादा कॉस्ट में कर पाएगा, और वेट ऐसा नहीं कि उसका कम होगा, मोटराइज पार्ट्स नहीं, होंगे वेट तो वेट वेट, उसका क्योंकि भी। इस वाले में एकदम अलग से सेंसर भी लगाए जाते होंगे अंदर, जहां तक मुझे पता है, जो और जगह जगह आपकी कहीं ना कहीं ज्यादा घिरी रहती है, एकदम से बाहर की साइड ही हमें दिखता बाहर है, की ओर निकले तो वहां बल्कि पे भी हो। उन्हें आई हाँ थिंक सिर्फ लेंस का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, लेंस के अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बाकी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अचीव करेंगे वो। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हम कहाँ से कहाँ मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपने बताया अभी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक तरह से वो अचीव कर रहे हैं, जो उन्होंने एक तरह से मैक्रो लेंस अब की बार दिया है, हालांकि वो लेंस है, टेलीफोटो लेंस ही होगा आई थिंक, नहीं टेलीफोटो है वो। बट हाँ बट अचीव कर रहे हैं उसके थ्रू मैक्रो फोटोग्राफी। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पे अगर ध्यान दें कंपनीज तो शायद काफ़ी कुछ कर सकती हैं, अभी भी बहुत सारा स्पेस बाकी है अभी करने के लिए कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ नंबर्स थोड़ा सा कम रखना चाहता हूँ या फिर बढ़ने नहीं देना चाहता हूँ कि यार चार कैमरे, तो कितना अभी भी चार कैमरास आप कैमरे का लॉजिक सपोर्ट तो मुझे करते बिल्कुल हैं? नहीं, कितने कैमरास से आप सपोर्ट करते हैं? मैक्सिमम 3 कैमरे, मैक्सिमम, मैक्सिमम इससे तीन। ऊपर नहीं। इस ओके दो कैमरे दें तो अच्छी बात कौन है, बट कौन से, मैक्सिमम 3, इससे ऊपर नहीं। कौन कौन से? और आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा 6-7 महीने बाद 5 कैमरे वाले फोन एकदम मेन वो स्ट्रीम आने मार्केट में हैं आ वो जाएंगे। आने हैं वो आने हैं, लेकिन आप कौन कौन से बिल्कुल कैमरा सपोर्ट करते हैं? वही तो, अब उसमें आप यही समझ लीजिए कि ज्यादातर कंपनीज पोर्ट्रेट लेंस लगाएंगी, फिर एक कंपनी कह देगी हम ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेंस लगा दे रहे हैं जिससे कि और अच्छा नाइट लाइट वो फोटोग्राफी बेकार हो है। जाएगी। तो ये चीजें फिर हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है पोर्ट्रेट लेंस, आप भी जानते हैं पोर्ट्रेट लेंस का उतना यूज है नहीं, सिंगल कैमरा से अच्छी पोर्ट्रेट्स आज के टाइम पे सभी डेप्थ अचीव कर सेंसर लेते को खुद हैं। मैं सपोर्ट नहीं करता, डेप्थ सेंसर को मैं हाँ खुद सपोर्ट तो नहीं डेप्थ करता। सेंसर हो गया, और फिर बात देखिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो तो कहीं ना कहीं अच्छे सेंसर ही देती हैं, अननेसेसरी टाइप के सेंसर वो घुसाती ही नहीं फोन में। इवन एप्पल का ले लीजिए, सैमसंग भी ले लीजिए, वो भी ज्यादातर अच्छे लेंसेज ही डालते हैं उसके अंदर, अगर महंगे फ्लैगशिप की बात करें तो। लेकिन जो नीचे वाले फोन है ना, मतलब 10-15 हज़ार 20 हज़ार वाले, ये लोग क्या करते हैं नंबर के लिए, सिर्फ नंबर के लिए, आपने देखा होगा कि अभी इन्फिनिक्स की बात कर लेते हैं, वो एक नाइट कैमरा करके देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है, 1 रुपए का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है मैंने भी यूज कराया उसे, कोई कोई फायदा नहीं होता उससे। लेकिन इसलिए। छोटी छोटी कंपनीज फिर ना एडवांटेज लेती हैं इस चीज का हाँ कि चार कैमरे लगाएंगे तभी हम अपना फोन बिक पाएगा हमारा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर यूज का हो चार कैमरास अलग अलग तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिक्स ने 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट और पता नहीं फिर क्या हाँ ऐसा दिया, तो वो सब तो यूज का नहीं अब है, वो अलग शॉमी बात है। शॉमी सभी फोन में एक कैमरा एक्स्ट्रा घुस आता है पोर्ट्रेट लेंस के लिए, हाँ डेप्थ सेंसर, ये इसके खिलाफ हूँ डेप्थ मैं भी, डेप्थ सेंसर। सेंसर के खिलाफ हूँ, ये तो तो इस मुझे तरह भी से कहीं ना कहीं ना नंबर में हमें फंसाती हैं स्मार्टफोन कंपनीज आज के टाइम पे, हर तरह के नंबर में फंसाती हैं।
बट पॉसिबिलिटी देखिए, जैसे अभी तीन कैमरास मेनली अवेलेबल है, वाइड एंगल, टेलीफोटो और मेन कैमरा, फिर चौथा मेरे तरफ से भाई मैक्रो। लेकिन अगर मान लीजिए फिफ्थ कैमरा आता है, जैसे सैमसंग ने स्टार्ट किया है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, वो जानते होंगे, उससे क्या है कि बिल्कुल आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, आप किसी का क्या बोलते हैं स्टैचू टाइप का, वो बिल्कुल स्टैचू बना सकते हैं, एक तरह से लाइक डेप्थ ही मेजर करता है वो। डेप्थ मेजर करता है, हाँ, तो और वो सब कर सकते हैं। एप्पल ने अभी आईपैड प्रो लॉन्च किया जो लेटेस्ट, उसमें भी उन्होंने लाइडार सेंसर दिया है, लाइडार, लाइडार सेंसर दिया है, हाँ ऑलमोस्ट वही काम के लिए, एआर के लिए थोड़ा बेटर हो जाता है ये, और डेप्थ बेटर क्या मेजर करने है। के लिए बेटर हो उसके जाता बाद अगर फिर फ्यूचर में आता है तो हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए एनाग्लिफ कैमरा आ जाए या फिर है। एनामोर्फिक लेंसेस आ जाए, तो इस तरह की चीजें आ सकती देख हैं। मैं क्या करूं, पॉसिबिलिटीज तो इतनी ज्यादा हैं, लेंसेज तो हमारे पास आज के टाइम पे इतने ज्यादा हैं, फिश आई, वाइड एंगल, पता नहीं क्या क्या टाइप के हमारे हाँ पास ऑप्शंस हैं, अभी भी बहुत सारे लेंसेज हैं। अगर ऐसे घुसाने लगे लेंसेज तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन मतलब क्या ही बन जाएगा भाई, कैमरा बन एकदम जाए कैमरा नहीं भाई, कैमरे का भी चाचा बन जाएगा, कैमरा तो छोटा रहेगा, कैमरे के अंदर तो एक ही लेंस रहता है, वो भी ये सही बॉडी के है, साथ अगर आएगा तो ये सही है। बट ये अच्छी बात है कि हमारे पास मल्टीपल कैमरास होते हैं अलग अलग ओकेजन पे। अब आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन है वाइड एंगल कैमरा इतना घटिया होता है उनका कि आप कोई अच्छी इमेज नहीं कैप्चर कर सकते उसके थ्रू, वो बस होते हैं कि हाँ, आपको वो बस बस होते हैं। आपके वाइड एंगल है वाइड व्यू कैप्चर करते हैं, लेकिन होते हैं बस वो। बहुत सारे स्मार्टफोन है जो 2 मेगापिक्सल मैक्रो के साथ ही आते हैं और उतने अच्छे रील्स तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो या तो फिर ये पिक्सल बढ़ाएं इसमें कि भाई पिक्सल बढ़ा दें, थोड़ा यूजफुल चीज़ बनाएं। अब जाहिर सी बात है उसको बढ़ाने के चक्कर में उनकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, मेगापिक्सल या कुछ ऐसा बढ़ाएंगे तो हो सकता है, वो तो होना है तो इसलिए वो मैं फिर वही कहूँगा कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये लोग कुछ भी घुसा नंबर देते गेम हैं। हाँ जी। थोड़ा सा ओके। नंबर गेम तो है भाई, इसको मानना पड़ेगा आपको, नंबर गेम है मिड रेंज में खास करके ज़्यादा है। नहीं, बट जैसे मिड रेंज में मानता हूँ कि जो अलग कंपनीज है वो कर रही है लाइक, लेकिन अगर रेडमी रियलमी की बात कर ले तो ये सब थोड़ा अच्छा काम कर रही है लाइक, ये सब अवेलेबल नहीं थे। और वाइड एंगल का जहां तक बात रहा तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि भाई 8 मेगापिक्सल से ऊपर का हो वाइड एंगल लेंस, किसी किसी कंपनी ने 5 मेगापिक्सल के दिए हुए हैं, वो पांच का दिया है गंदा गंदा। और बहुत गंदा। मुझे बेसिकली मतलब देखिए, वाइल्ड एंगल लेंस किन के लिए, जो ज्यादा फोटोग्राफी वाइल्ड एनिमल्स नेचर का करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का करते हैं लाइक घूमते हैं, सीन्स वगैरह का लेते या हैं। फिर स्पोर्ट्स और का या फिर वैसा थोड़ा। मुझे बेसिकली वाइड एंगल लेंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, बट हाँ काफी सारे फोटोग्राफर्स को मैंने देखा यूज करते हुए, तो ये देखिए फिर चीज। वही यहाँ पे हम जैसे हमने शुरू में बोला था आपने कि पर्सनल प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कैमरा एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस आता ही है वहाँ पे आता मतलब ही यूज़र है के हर सबका ना एकदम अलग होता है सिनारियो यूज़ करने का। जैसे मैंने बताया कि मैं भाई नहीं यूज़ कर, फिर ऐसे तो सबको सबका यूज आ जाएगा। हाँ वही तो, ऐसे तो ऑडियंस बढ़ जाएगी, कुछ कहेंगे भैया हमको मेन वाला सेंसर भी हटा दो, हमको मैक्रो अच्छा दे दो और हमको क्या कहते हैं वाइड एंगल दे दो, क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ। हाँ, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम है कि नहीं, बिल्कुल, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब देखिए थ्री तो सिक्सटी आपके डिग्री हिसाब कैमरा से कहीं आ चार जाए, कैमरे, 360 बिल्कुल कैमरा कहीं आ बिल्कुल ये जाए भाई, आएगा। चारों तरफ ले ले वो गैजेट्स निकाल रहे लोग। तो मेरे हाँ हिसाब से क्या लगता है ना कि देखिए, मेरा तो सोच ये है कि अगर कैमरास काम के हैं तो देना सही है, मैं यही सोचता हूँ। बिकॉज एट द एंड आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। अगर आप मेन कैमरा से देखिए बोर हो गए तो आप वाइड पे जा सकते हो, वाइड से बोर हो गए टेलीफोटो पे जा सकते हैं। मैं कल पोको X2 से एक वीडियो शूट कर रहा था और एक वहां पे ना गाड़ी फंस गई थी गड्ढे में, काफी दूर था, लेकिन वो मैं उसे जूम कर रहा था, पिक्सल्स फटने लगे, मैंने सोचा यार काश इसमें टेलीफोटो भी होता, 5 कैमरास होते। तो एक सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट होता है जहां पे लगता है कि नहीं भाई बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, अलग अलग। हम देख आपने कहा कि चार कैमरे हों अगर काम के तो होने चाहिए, मैं कहूंगा कि चार कैमरे अगर काम के हों और अच्छे हों तब होने चाहिए। वो अगर मतलब अपना जो काम के लिए वो दिए गए हैं वो उसमें ही कोई डिटेल या फिर कोई अच्छा अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग करनी होती है कंपनीज को तो जाहिर सी बात है देंगे ही वो कैमरे, हमारे वो तो कहने से उन देंगे। पर फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि उन्हें कोई फ़र्क पड़े, बट फिर भी ये मेरा मतलब मेरा ओपिनियन था कि ज़्यादा कैमरे जो घुसा रहे हैं इतने ज़्यादा आज के टाइम पे स्मार्टफोन में वो कम होने चाहिए, थोड़ा नंबर गेम से हट के अगर कुछ इनोवेट कर लें, आप एक कैमरा निकाल के एक कैमरे का मेगापिक्सल बढ़ा दो, अगर थोड़ा सा 64 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल अगर 5 दे रहे हो तो 5 का 12 या 10 8 कर दो, तब
तब भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे हमें उसी कैमरा से। दैट्स गुड, चलिए ये That's सब पॉइंट सही है। हाँ, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तभी डिबेट हो पाता है, तो अच्छा लगता है कि नहीं। आई थिंक ये ऑडियंस को भी काफी सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अब देखते हैं कि ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है या हमको। लाइक सपोर्ट करने के बदले लड़ाई करवा देंगे। लड़ाई हो जाएगी, हमारी आ जाएंगे ये लोग। तो सही सही पॉइंट। तो ऑडियंस का मैं फिर भी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ऑडियंस का क्या ओपिनियन है, चाहे जिसकी जो भी बोले। मतलब मुझे देखिए, मैंने अपना पर्सनल व्यू रखा था, ऐसा नहीं कि मैं आपसे एकदम डिसएग्री करता हूं हर बात पे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू था कि जो कैमरे अगर होने हों तो वो अच्छे हों या फिर ना हों, बस जबरदस्ती उनको घुसा के फिर नंबर बढ़ाने का कि भाई अच्छे कैमरे हमने घुसा दिए चार, तो वो मतलब नहीं। बेकार कैमरे, ये सही पॉइंट है, कैमरा तो अच्छा होना ही चाहिए। अब कोई 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दे देगा तो भाई काहे को दिया भाई, क्या चाहिए, आई कैप्चर करें। नहीं, और तालिया से कल्लू बन जाएंगे भाई उसमें। बाकी मोटराइज्ड मूविंग पार्ट्स मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे, क्यों अभी बहुत लोगों ने बोला मोटराइज्ड पार्ट से बहुत दिक्कत होती है। हमारे स्मार्टफोन में वाइब्रेशन मोटर लगी रहती है, वो हमेशा घूमती रहती है। फोन आ गया मेरे पास अभिषेक भाई का। कोई बात नहीं, कट करता हूँ फिलहाल। तो हमारे सभी स्मार्टफोन में मतलब ये जो अपनी क्या बोलते हैं वाइब्रेशन मोटर, वो भी लगी रहती है। वैसे मैं इंजीनियरिंग ज्यादा कुछ वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन वो भी मूविंग पार्ट ही है एक तरह से स्मार्टफोन का। और आपने कभी देखा है, मतलब मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा किसी स्मार्टफोन का वाइब्रेशन मोटर खराब हो गया हो, मैंने नहीं देखा है। बाकी बहुत से लोगों ने देखा होगा, बट नो डाउट दोनों में फिर डिफरेंस है ना। वाइब्रेशन मोटर आपका एक एक्सिस पे बस गोल 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 घूमना है, बट ये रोटेशनल मोटर होता है जो कैमरा में होता है। रोटेशन मतलब एक रोटेट करेगा फिर वापस। अभी तक क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से OnePlus 7 Pro को लॉन्च हुए 1 साल हो गया शायद ना, 1 साल के ऊपर हो रहा है, आसपास हो रहा है ना। गर्मी में लॉन्च हुआ था शायद पिछले साल, पॉपअप कैमरा गर्मी में लॉन्च हुआ था, तो हाँ उसमें था। अभी तक मुझे लगा नहीं कि कोई मतलब बहुत बड़ी कोई शिकायत आई हो कि वो खराब हो रहे हैं या फिर उसमें कुछ धूल फंस रही है कि बहुत दिक्कत हो रही है उसके थ्रू। अब देखिए एक और लिमिटेशन क्या, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो बताते हैं। अच्छा एक मिनट, इसके ऊपर अगले वीडियो में बनाएंगे, कुछ डिबेट करते हैं, ठीक है। ओके, वो वीडियो मेरे चैनल पे जाएगी अभी, है ना। ऐसे ऐसे टॉपिक और भी अगर गाइस कुछ लोग सजेस्ट कर सकें तो कर दें, ऑडियंस जो है वो सजेस्ट कर दे तो हमें भी कुछ आइडिया मिलेगा कि जिसपे हम डिबेट कर सकें, बातचीत कर सकें कि यार किसके क्या व्यूज हैं। मतलब हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं इस चीज को, आप लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को, तो हम लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे, शायद आपको मजा आएगा। और अगर आमने सामने मिल जाएंगे तो फिर मुक्केबाजी भी होगी थोड़ी बहुत। तो थौर कहाँ थौरा चलेगा, थौर कहाँ थौरा, हमारे पास भी है, रुकिए, हम हमारे पास वहाँ रखा है, नहीं हमारे पास भी है। अच्छा अच्छा, और शील्ड भी है कैप्टन अमेरिका की। ओ, तो मेरे पास पबजी वाला हेलमेट भी है। ये तो नहीं, मेरे पास हमारे पास असली वाला है। ये हेलमेट टूटता भी है ऐसे। चलिए तो अच्छा लगा आज का ये डिबेट, और मोटर वाला डिबेट होगा। बिल्कुल, मोटर वाली डिबेट होगी होगी। चलिए बाय 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 बाय, नमस्कार। गुस्सा मत होइए, और नहीं नहीं ऐसे गुस्से गुस्से वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, कोरोना से सब लोग सावधान रहें और हाथों को धोते रहें, जैसे भी कर रहे हैं सब लोग हाथ वाथ धोएं, घर में रहें, चिल मारें। कि यार ऐसे टाइम बहुत कम बार मिलता है कि इतने दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारने को मिलता है। हालांकि बहुत लोग अभी फंसे हैं बाहर, लेकिन फिर भी जो लोग फैमिली के साथ हैं वो अपना वक्त देना। बंदा तो मैसेज भेज रहा है कि यार कोरोना के कारण घर में था, आज जाना कि अच्छे हैं घर वाले मेरे। ये लोग भी अच्छे हैं। इतनी दूरियां बन गई थी, इतनी ज्यादा ये सोशल मीडिया और ये सब चीजें ना, तो ये सोशल मीडिया क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंसिंग है एक्चुअली। हम लोग पहले से घर में सोशल डिस्टेंस में है, पहले से ही। हाँ, पहले से ही हम सोशल डिस्टेंस थे, अपने घर वालों से डिस्टेंसिंग काफी ज्यादा हो गई थी, तो उस मामले में थोड़ा बेटर हो रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है वैसे, तो लोग ऐसे समझदार हैं। कट करते हैं।